द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स। कंपोजिट नंबर वो नेचुरल नंबर है जो प्राइम नहीं है। दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन इन इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होगा वन, और वो नंबर इटसेल्फ अपने आप में, उसके अलावा भी उसके फैक्टर होंगे। अगर ऐसा कोई नंबर है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। प्राइम नंबर हम लोग क्या पढ़े थे? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसका जो फैक्टर होगा वो वन होगा या वो नंबर खुद होगा अपने आप में, तो उसको प्राइम कह सकते हैं। जैसे दो, तीन, पाँच, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? या तो वो नंबर खुद है या वन है। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होगा? वन और वो नंबर अपने आप में के अलावा भी उसके फैक्टर्स होंगे, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे चार, छः, आठ, नौ। कैसे कैसे चल, हाउ फोर इज अ कंपोजिट नंबर? इनके फैक्टर्स क्या क्या हैं? अगर हम देखा जाए फोर के फैक्टर्स, वन, टू, टू जै फोर, टू भी फैक्टर है, फोर वन जै फोर, नंबर अपने आप में, ठीक। तो रूल क्या कहता है? दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन इन इटसेल्फ। मतलब वन और वो नंबर अपने आप में के अलावा कम से कम एक और फैक्टर होगा, कम से कम एक और, एक या दो, तीन, चार, पांच फैक्टर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे चार का जो फैक्टर है एक और वो नंबर अपने आप में चार के अलावा एक और फैक्टर कौन मिला? दो। मतलब वन और फोर के अलावा टू भी फैक्टर है, इसलिए चार कंपोजिट नंबर है। छः का आप देख लीजिए, सिक्स का, इसका फैक्टर क्या है? वन, टू, टू थ्री या सिक्स, थ्री टू या सिक्स, सिक्स वन या सिक्स। मतलब एक और छः के अलावा इसके दो और फैक्टर हैं, टू भी और थ्री भी, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर है। आठ का देख लीजिए, वन, टू, फोर, एट, ये भी कंपोजिट नंबर है। नाइन का देख लीजिए, वन होगा, थ्री थ्री या नाइन, नाइन वन या नाइन, तो वन और नाइन के अलावा थ्री है, तो ये भी कंपोजिट नंबर। इस तरह के नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स कैन बी ऑड और इवन। इस नंबर को आप चेक करोगे तो आप देखिएगा कि ऑड नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो कंपोजिट नंबर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो याद रखिएगा वन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। अगला टाइप ऑफ नंबर्स है, अगला टाइप ऑफ नंबर्स है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? कोई भी नंबर को अगर हम पी बाई क्यू, पी डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकें, जिसमें पी और क्यू इंटीजर है और जो क्यू है वो जीरो नहीं होगा, तो उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल, टू बाई थ्री, फोर बाई नाइन, टू। अच्छा, वाई टू इज रैशनल नंबर? ये भी क्या ये पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं है? है, ये पी बाई क्यू को फॉर्मेट में है। कैसे है? टू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? टू बाई वन, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है, वन इज नॉट जीरो। टू इज बेसिकली टू बाई वन, टू बाई वन मीन्स ये फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली माइनस फाइव, माइनस फाइव को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस फाइव बाई वन, पी बाई क्यू फॉर्मेट में है, ये भी रैशनल नंबर है। सिमिलरली माइनस इलेवन, थर्टीन बाई फिफ्टीन, ये सारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। अगला टाइप है इरेशनल नंबर। हमें इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। वो नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी बाई क्यू फॉर्मेट नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर है
और q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस को हम लोग, उस नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11 एंड सो ऑन। पाई, आप लोगों ने पाई इक्वल टू 22/7 पढ़ा होगा, बट 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, इट इज द नियरेस्ट रेशनल नंबर। तो हमेशा याद रखिएगा पाई जो हम लोग ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं, पाई नोमेनक्लेचर को, पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स इज रियल नंबर। जो अगला जो नंबर का जो प्रकार है वो है रियल नंबर। रियल नंबर को आमतौर पर अगर आपके सेट्स के क्वेश्चन में आएंगे तो कैपिटल आर से लिखा जाता है। कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर्स, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। रियल नंबर्स इट इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर भी पढ़ा, पी बाई क्यू फॉर्मेट वाला। तो रैशनल और इरेशनल को कंबाइन कर लेते हैं तो ये कहलाता है रियल नंबर। रैशनल और इरेशनल को आप कंबाइन कर लीजिए तो सब मिला करके एक रियल नंबर बनता है। जैसे 7/9, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, पाई, 8/9, -5, -2, -3/11। इसमें रैशनल नंबर कौन कौन सा है, इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, इससे रैशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर कौन सा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, पाई, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। तो सभी मिलकर के रियल नंबर्स बनते हैं, जिसको सेट के फॉर्मेट में कभी कभी क्वेश्चन में इसको कैपिटल आर के रूप में दिखाया जाता है। और पॉजिटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर्स कहलाएगा और विजनली डिनोटेड बाई आर प्लस। ओके,